सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट क्लासेस में आज सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में, जो कि आज के दिन स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ चुका है। सो इन स्टॉक में से कोई भी स्टॉक आप लोगों के पास है किसी भी लेवल पे, या फिर हाल ही में आपने इन्हें फेस बाइंग किया या फ्रेस बाइंग करने के बारे में सोच रहे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखना। ये वीडियो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो दोस्तों, एक एक करके हम सारे स्टॉक को डिटेल में कंसिडर करते हैं। सो सबसे पहले हम बात कर गए आरती इंडस्ट्री लिमिटेड। दोस्तों, केमिकल ग्रुप का दिग्गज कंपनी, आप देख पा रहे हो फ्राइडे के दिन हमें 2% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। एक साल की बात करें यहाँ से देखोगे तो 10%, लेकिन आप रफली देखोगे टॉप से लेकर बॉटम तक तो 32% के आसपास आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। और ये सेम चीज़ है जिन्होंने सिर्फ तेजी देख के या फिर जिन्होंने सिर्फ शॉर्ट पीरियड में स्टॉक को बाय किया, उनको सिर्फ प्रॉब्लम हो रहा है। और यही चीज़ अगर आप 5 साल यानी कि पुराने शेयर होल्डर की बात करोगे, सो पुराने शेयर होल्डर वाले को दोस्तों उनके पास अभी भी 280% ज़्यादा रिटर्न है। और अब भूलना मत, 2-3 बार आपको बोनस भी मिल चुका है। तो मैं ये चीज़ आपको स्टॉक को कवर क्यों करूँ दोस्तों, कवर इसलिए मैं कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत कमाल की स्टॉक है। अगर केमिकल स्टॉक में अगर किसी में जाना चाहते हो जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो चाहे तो ये 30% का हमें करेक्शन देखने को मिला, गिरावट देखने को मिला इस स्टॉक का, मतलब इतने गिरावट का फायदा उठाकर बिल्कुल चल सकते हो। मतलब इतने कमाल की स्टॉक है, बहुत ट्रस्टेड कंपनी है, आरती ग्रुप से बिलोंग करते हैं दोस्तों, आरती इंडस्ट्री कंपनी है। अगर आपके पास नहीं भी है तो इसके बारे में आप इस गिरावट का फायदा उठा सकते हो। इस बार के नंबर हमें अच्छे देखने को मिले। सो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके मैक्सिमम काम देखना, बहुत पूरा बिजनेस तो बहुत पुराना है लेकिन लिस्टिंग भी बहुत ही पुराने हैं। 1990 से आप देख पा रहे हो कितने स्मूथली, ऐसे नहीं कि कंपनी पहले ही अच्छी करती थी या फिर अभी अच्छे कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शुरुआत से कंपनी अच्छे कर रहे हैं, 30 से लेकर 35 हज़ार करोड़ के आसपास इनके मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी है। और इसकी मैं कह रहा हूँ कि जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं आता है, वो ऐसे स्टॉक में आप बिंदास आप चल सकते हो। अगर टोटल रिटर्न देखोगे दोस्तों तो आप देख पाओगे 75,000 से भी ज़्यादा के रिटर्न। दोस्तों, जिन्होंने भी पैसे लगाए दोस्तों आज से 5-10 साल पहले, उनके पैसे कई गुना करोड़पति बन चुके हैं वो। और एक स्टेबल रिटर्न है, जिसे कहते हैं ना एक स्टेबल, मतलब लो रिस्क वाली कंपनी। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस गिरावट का फायदा उठा सकते हो। और जिनको थोड़ा सा लो रिस्क वाली कंपनी चाहिए, तो इसलिए मैंने स्टॉक को पिक किया। अगर आप केमिकल इंडस्ट्री में आपको जाना ही है तो पहले आप पीडीलेट, उसके बाद अगर किसी को मतलब सबसे ट्रस्टेड वाले फिर जिनके बाजार में कुछ भी नहीं आता है, वो इस ऐसे आरती इंडस्ट्री के साथ आप बिंदास जा सकते हो। ये करेक्शन भी ऐसे दिखाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत ही स्मूथली करेक्शन। वो भी ऐसे नहीं दिखाते, बाजार में पैनिक आता है, बाजार में गिरावट होता है, तभी ऐसे स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिलता है। आप चाहो तो इस 30% का गिरावट का आप फायदा उठाकर चल सकते हो, लेकिन है बहुत दमदार कंपनी। अगर आपके पास है तो आप इस गिरावट का एक्यूमेंट और भी एक्यूमेंट करके चल सकते हो। अगर आपके पास नहीं भी है तो इसके बारे में स्टडी करके आप बिंदास ऐसे स्टॉक पे ऐसे भी करके आप चल सकते हो। इतनी दमदार तो कंपनी है, बहुत कमाल की कंपनी है। द नेक्स्ट स्टॉक है हमारा फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। तो इसके रिगार्डिंग मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूं, बहुत लेवल में बता चुका हूं। वैसे तो मैं रिकमेंडेशन देता नहीं हूं, लेकिन कौन से लिमिट पे आपको मतलब एग्जैक्टली आपको बाय करके चलोगे तो आप जो अटके हुए फील होते हैं ना, जो लोग सिर्फ अटके हुए टॉप पे बाय करते हैं तो वो उसके नीचे आ जाते हैं तो वो अटके हुए फील करते हैं, वो फील आप नहीं करोगे इस चैनल को अगर सिर्फ फॉलो भी करोगे। तो अभी मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, एक साल में दोस्तों 170% दोस्तों कमाल, मतलब कमाल रिटर्न दे चुका है दोस्तों। मैं इतने कहना चाहूँगा, 5 साल की बात करें 815, तो मेरी वीडियो बनाने की इस यही मतलब है। बहुत सारे लोग जब तेज़ी आ जाते हैं तो बाय करने आ जाते हैं, तो प्लीज़ मैं बहुत बार बोलता हूँ, हो सकता है ये स्टॉक 300-320 तक जा सकता है अगर आपके यहाँ पे बाइंग एवरेज ना करे और फ्रेज बाइंग ना करे। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। हाँ, आपके कैपिटल है, आपके पास है, आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी स्टॉक में किसी भी लेवल पर बाय कर सकते हो। लेकिन जब स्टॉक कभी भी बाजार में करेक्शन आता है, फिर कभी भी कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाता है क्रूड ऑयल से रिलेटेड भी, तो स्टॉक में बहुत ज़्यादा फटकर लग सकता है, क्योंकि एक साल में 200 और 5 साल में 815%, तो करेक्शन भी उतना ही दिखाएगा। यहाँ पे 70% क्रैश हुआ था, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूँ नेचर देखना। और 2,000 करोड़ के मार्केट कैप है, वो भी इतना स्टॉक भागने के बाद, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, जब करेक्शन दिखाएगा तो मतलब 40-50% इजिली करेक्शन दिखाएगा, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो प्लीज़ मेरी इतनी रिक्वेस्ट रहेगा, वो आपके ऊपर है, आपके पास है, फ्रेज बाइंग ना करें, फ्रेज बाइंग आपको करना ही है। तो जैसे जब रिजल्ट आया था 210 पे, मैंने बताया था बिंदास बाय करके आप चल सकते हो, वैसे Q2 के नंबर भी शानदार आए, तो उस लेवल पे आप तेजी देख के भी ओपन मार्केट भी आप खरीद के चल सकते हो। लेकिन इस लेवल पे अगर आप बाय करोगे तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा आपको दिक्कत हो सकता है। आपके पास कैपिटल है, सेफ रखिए, और भी स्टॉक है जो बहुत डिस्काउंट में मिल रहा है, आप चाहो तो उन स्टॉक के साथ जा सकते हो। और इस स्टॉक का अगर जाना ही है तो Q2 के नंबर वेट करें, नंबर आ जाए उसके बाद नंबर देके बाय करोगे तो सबसे बेस्ट है। देन आखिरी स्टॉक है हमारा फेयरकेम लिमिटेड। तो फेयरकेम लिमिटेड दोस्तों कमाल की कंपनी, और इस बार के जो नंबर दिखाए दोस्तों आपको बताने की जरूरत है, उस बाजार ने भी अच्छी तरह से अप्रिशिएट किया। सो आप देख पाओगे जैसे ही नंबर आया दोस्तों, एक मंथ में 30% रिटर्न दे चुका है। अगर मैक्सिमम ग्राफ की बात करें, अभी भी लिस्टिंग में 1.5 साल है, तो 1.5 से 2 साल के बीच में 200% नॉट बैड, और को खुद को पता नहीं चाहिए 3,000 करोड़ के मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है, तो जब भागता है तो ऐसे रॉकेट की तरह भागता है। सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इन स्टॉक में से कोई भी स्टॉक आप लोगों के पास जरूर कंट्रीब्यूट करें दोस्तों। ऐसी स्मॉल कैप कंपनी को लॉन्ग टाइम के लिए जितना होल्ड करोगे आपको रिटर्न उतना इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन
रिस्क पॉइंट दोस्तों जब ये करेक्शन दिखाएगा वो भी 30-40% जो कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, लेकिन है बहुत दमदार कंपनी, आपको बिजनेस देखना आना चाहिए। और इस बार Q1 के नंबर की बात करें दोस्तों, धाशु नंबर है, बहुत कमाल के नंबर है, वो तो आपने देख लिया बाजार किस तरह से एप्रिशिएट किया, जिन्होंने भी टॉप पे बन गया ये भी आपको लेवल जरूर देखने को मिलेगा। तो आपके पास है लॉस में ना बेचे, बिंदास होल्ड करें दोस्तों, आपको रिटर्न मिलेगा मिलेगा। जिनको फ्रेश बाय करें प्लीज़ होल्ड कर ले, जितना रैली दिखाना था दिखा चुका है, हो सकता है 2000 के ऊपर जाए, एक न्यू हाई बनाए, लेकिन तेजी देख के स्टॉक को बाय ना करें। कंपनी अगर आपको अच्छी लगती है तो Q2 के नंबर के वेट कर ले, Q2 के नंबर भी अच्छे आते हैं तो नो डाउट उसके बाद आप ओपन मार्केट भी ऐसे स्टॉक पे थोड़ा सा निवेश करके आप चाह सकते हो, क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन है बहुत दमदार कंपनी आपके पास है। आप लॉन्ग टाइम के लिए बिंदास होल्ड करें, जितना लंबा खेलोगे उतने आपके रिटर्न इंक्रीज होता जाएगा, है बहुत दमदार कंपनी। देन आखिरी स्टॉक है हमारा मैक्सिमस इंटरनेशनल लिमिटेड, तो इसमें एक पॉजिटिव अपडेट निकल के आ चुका है। सो अपडेट है दोस्तों स्प्लिट से न्यूज, सो आप देख पाएंगे स्प्लिट के अपडेट निकल के आ चुका है। सो अगर 10 के फेस वैल्यू 1 में कन्वर्ट होने वाला है, अगर आपके पास एक शेयर है इसके तो आपको 10 शेयर दिया जाएगा। तो इस न्यूज़ के चलते, इस अपडेट के चलते किसी स्टॉक को बाय नहीं करना होता, जो कि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ और ये गलत भी टेक्निक है। अगर स्टॉक की अभी तक की बात करें तो मैक्सिमम ग्राफ की बात करें 5 साल, तो 5 साल में आप देख पा रहे होंगे 5 साल में दोस्तों 2000%, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि स्मॉल कैप कंपनी, तो स्मॉल कैप कंपनी ऐसे भागते हैं। और जब स्टॉक भागने लगते हैं तो कॉर्पोरेट एक्शन चीज़ें आ जाते हैं। तो 10 के फेस वैल्यू 1 में कन्वर्ट होने वाले, अगर आपके पास एक शेयर है तो 10 शेयर दिया जाएगा। लेकिन प्लीज़ ये तेज़ी देख के और इस न्यूज़ के चलते कि एक के बदले 10 शेयर मिलेंगे, इस न्यूज़ के चलते, इस अपडेट के चलते आपको किसी स्टॉक को बाय नहीं करना होता, इसके बारे में स्टडी कीजिए, मैक्सिमम डेटा मैक्सिमम नॉलेज इसके बारे में लीजिए, स्टॉक इस कंपनी के बारे में सारी चीज़ें अगर आपको अच्छे लगते हैं तो Q2 के नंबर आने दीजिए। Q2 के नंबर अच्छे हैं तो आप इसके बारे में विचार कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक एकदम टॉप पे है। सिर्फ तेजी देख के स्टॉक को बाय करोगे, कभी भी कोई रिजल्ट थोड़ा बहुत भी खराब आता है, फिर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आता है, बाजार में करेक्शन आता है, तो इसको बहुत ज़्यादा फटका लग सकता है, जो कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे। तो प्लीज़ किसी स्टॉक में रैली देखिए और कॉर्पोरेट एक्शन के लिए किसी स्टॉक को जाना नहीं होता है। सो कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो में कोई पढ़ना चल गए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। मिलते ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।